जब मन अंदर से खुश नहीं है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। किसी का भी फोन आ जाए तो मौसी का फोन आया था, वो बोले जा रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मैं चुपचाप थी, वो समझ गई होंगी शायद कि इसका मूड नहीं है बात करने का। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तू बच्चों को देख ले, इनको नाश्ता वाश्ता करा दे, दूध वगैरह दे दे, और फिर मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है मौसी। तो अजीब सा मन हो रहा है अंदर से, बहुत बुरा सा लग रहा है, सैडनेस है, पता नहीं। ऑफिस तो यार वो पहले भी जाते थे, और ये कुछ नया नहीं है उनका ऑफिस जाना, शुरू से वो ऑफिस ही जाते हैं डेली और लेट इवनिंग में वापस आते हैं। लेकिन अब अजीब सा इसलिए लग रहा है, मन उदास इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले 2 महीने से पूरा 24 घंटे हर वक्त रात दिन वो घर में थे, और हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे उनके साथ, बच्चे और मैं। अब बच्चे भी मिस कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा, बच्चे भी एकदम सुस्त सुस्त से लग रहे हैं, और मैं भी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शुरू शुरू में हमने लॉकडाउन में, और बहुत क्या हो गया यार आँख में, लॉकडाउन में बहुत सारी न्यू न्यू डिश बनाई, पिज्ज़ा बनाया, और क्या बनाया हमने, और पिज्ज़ा बनाया था, हलवा वगैरह तो बनता ही रहता है, और क्या बनाया था, न्यू न्यू कुछ बनाया था, अलग डिफरेंट डिफरेंट सी चीज़ें बनाई, देखो याद भी नहीं आ रहा क्या क्या बना बना, ढोकला बनाया था, और क्या बनाया था, पिज्ज़ा ढोकला एंड कई सारी चीज़ें हमने बनाई डिफरेंट सी, गोलगप्पे और क्या बनाया था, मिठाई वगैरह भी बनाई थी, और बहुत इंजॉय किया। मतलब इस टाइम को हम सब, एक टेंशन तो है ही कि भाई ये क्या हो गया है, पूरे देश में क्या हो रहा है, लेकिन ये था कि जितना हम दुखी रहेंगे उतना ही ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी परेशानी है। और अगर किसी प्रॉब्लम में आप हैं और ज़्यादा दुखी अपने आप को फील करते हैं तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। तो ये था कि है जो हो रहा है, हमें अपने आप को सेफ रखना है, घर में रहना है, तो यही था। घर में थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे, और छोटे मोटे झगड़े भी हमारे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हैं वो, पबजी के लिए मैं उनको मना करती हूँ खेलने के लिए बार बार। और लेकिन अब घर में नहीं है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत बेकार कह सकते हैं लग रहा है, मतलब टाइम नहीं पास हो रहा है यार, टाइम नहीं कट रहा है, पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा दिन हो गया। और जब वो अभी डेली घर में रह रहे थे तब तो पूरा दिन ऐसा लगता था पता नहीं कितना सारा काम करना है, कभी ये बना दो कभी वो बना दो, और कुछ ना कुछ घर में होता ही रहता था। और बच्चों के साथ भी खूब मस्ती की उन्होंने, और बच्चों ने भी इस टाइम को बहुत इंजॉय किया। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे पापा हैं घर में, उनको नहीं पता बच्चों को क्या कोरोना वायरस, बस नाम पता है बच्चों को, हाँ कोरोना वायरस फैल रहा है, ये चाइना से आ गया है, बस ये पता है बच्चों को, और हमारी छुट्टियाँ बढ़ गई हैं, पापा की भी छुट्टी हो गई है, लेकिन खुशी हो रही है इनको। तो पता है कल मैंने क्या सुना निकू करता, काव्या कोरोना वायरस कितना अच्छा है ना, हमें हमारे स्कूल की इतनी सारी छुट्टियां भी पड़ गई है, हमें स्कूल भी नहीं जाना हो रहा। मतलब बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता यार क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ये। बस बच्चों को ये है कि पापा मम्मी हमारे बिल्कुल घर में ही हैं, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे इस टाइम को, और मम्मी का घर पास ही में है। कभी ऐसा होता था कि डेली जो मेरा टाइम था ना वो कट जाता था, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं सुबह, और फिर उसके बाद ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल से उनको लेकर आना, ट्यूशन में छोड़ने जाना, लेकर आना, भाई का घर बन रहा था पिछले नवंबर से, तो वहाँ भी टाइम पूरा दिन ऐसे निकल जाता था, वहाँ पर मज़ा आता था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो गाइड करने में, उनको बताने में कैसे क्या करना है, पूरा टाइम ऐसे निकल जाता था, बहुत अच्छा टाइम जा रहा था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि एकदम घर में रहना पड़ेगा, अपना जेल जैसी फीलिंग आ रही है यार, बिल्कुल इतना गंदा लग रहा है ना, बहुत बुरा, रोना आ रहा है, मतलब कब ठीक होगा ये, कब नॉर्मल लाइफ शुरू होगी, और बहुत बहुत बुरा लग रहा है, सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है, क्यों हो गया ये, कहाँ से आ गया पता नहीं, कब ठीक होगा, कब इसकी एंटीबॉडी वैक्सीन बनेगी, एंटीडोज जो कहते हैं वो बनेगी, और पता नहीं यार कैसे क्या होगा। पिछले 2 ढाई महीने से इतना बुरा लग रहा है, और अब ये है कि कब तक बैठ कर खाएंगे, काम पर तो जाना ही है, वरना नौकरी छोड़ दो, नौकरी वाले जो लोग हैं वो तो बैठ कर नहीं खा सकते ना, सैलरी आती है उसी से घर चलता है हमारा, तो पिछले 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली थी, हमें पता है कि कितना बजट खराब हुआ है, कमेटी वगैरह तो इस वक्त जा ही नहीं रही है, और बाकी जो स्कूल वगैरह की फीस, एक तरीके का कर्ज हमारे ऊपर हो गया है, स्कूल की फीस 3 महीने की देनी है, 3 महीने का किराया हो जाएगा, अब तीसरा महीना लग जाएगा, तो ये सारी चीजें मैनेज करनी है। और अगर ऑफिस नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी हमारी, तो ऑफिस जाना भी जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में हर्डल्स आते रहते हैं, अब चाहे प्रॉब्लम हो,
चाहे रिस्क हो चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन ऑफिस तो जाना पड़ रहा है, रिस्क लेकर भी जाना पड़ रहा है, काम तो करना ही है। तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लकली इनकी जॉब नहीं गई है, ये अपना काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि सैलरी उतनी ना मिले जितनी मिलती थी, रेगुलर सैलरी उतनी नहीं मिलेगी, अब मैनेज करना होगा जैसे भी करें। देखो सैलरी कम हो गई है लेकिन खर्चे कम नहीं होंगे, जो चीज़ें आपकी चल रही थी रेगुलर वो कम नहीं होंगी, सैलरी कम हो जाएगी। आपको जो कम होगा उसी में अपना बजट आपको फिर से बनाना होगा। रेंट जो मकान में हम रहते हैं कमरे में किराए पर, तो रेंट तो कम नहीं होगा, रेंट तो उतना ही रहेगा, बल्कि रेंट तो हर साल बढ़ जाता है 10%, वो तो बढ़ता ही रहेगा। और किराया बढ़ेगा, फीस बच्चों की वो भी कम नहीं होगी, फीस भी उतनी रहेगी जितनी हम देते हैं। अभी तो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस ही हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो वो भी नहीं भर पाएंगे हम लोग। हज़ार हज़ार रुपये अगर बच्चों की मंथली की फीस है तो ट्यूशन फीस सिर्फ 800 रुपये, तो आप सोचो क्या है, तो उसमें 200 200 रुपये ही तो बचे, इसमें कौन सा हमारे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, हमें एक सुकून मिल गया, कोई नहीं है। इसमें भी टेंशन नहीं है कि फीस कैसे भरेंगे, 3 महीने की अगर आप लगा लो दोनों की, 800 800 रुपये प्लस हो गई, 800 प्लस 800 तो 1600 हो गया, तो कितनी हो गई 3 मंथ्स की। तो ये भी अब मुझे बहुत भारी लग रहा है, रेंट कैसे देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब ऑफिस गए हैं तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन एक डर भी है कि ऑफिस गए हैं सब कुछ अच्छा रहे, कोई इन्फेक्टेड ना हो वहाँ पर, ठीक से हो जाए जो भी है, बाहर निकल रहे हैं तो किसी का। एक तो ये ऐसा वायरस है जिसमें आपको रिसेंटली नहीं पता लगेगा कि किसको हो रखा है, क्योंकि इसके सिम्टम भी आने में टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन, तो मैक्सिमम 15 डेज लगते हैं इसको सिम्टम्स को दिखने में। तो इसलिए भी एक ये है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि इसके सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे। कोई इन्फेक्टेड हो गया तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो इन्फेक्टेड है भाई बंदा, तो आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो फिर आप भी इन्फेक्टेड हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिम्टम जो हैं वो दिखते नहीं हैं, स्टार्टिंग में नहीं पता चलता कि किसको है ये किसको नहीं है, और लोग छुपा भी रहे हैं। अगर इस लॉकडाउन को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया जाता तो शायद ये जो वायरस है वो इतना ना फैलता जितना अब हो गया है। अब जितने केसेस निकल कर आ रहे हैं शायद इतने ना निकलते अगर लोग इसका बिल्कुल ईमानदारी से इसको फॉलो करते। लोग घूम रहे थे बाहर और जा रहे थे इधर उधर और मजाक बना रहे थे, कह रहे थे नहीं हमें तो होगा ही नहीं, हमारे तो आस पड़ोस में नहीं होगा, हमारी कॉलोनी में नहीं होगा, हमें नहीं होगा। तो यही चीज़ लोगों की नुकसान कर गई, और ये जो वायरस है इससे ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड होने लगे, ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग सामने आने लगे। और अब देखो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं। वो तो मोदी जी हैं, शुक्र है कि मोदी जी हैं, मोदी जी की वजह से इतना हुआ, कि वरना ऐसा हाल हो जाता जैसे चाइना में या और किसी देश में हुआ। मोदी जी ने इसको तुरंत लॉकडाउन को फॉलो किया कि तुरंत लॉकडाउन कर दिया, वरना पता नहीं यार क्या हो जाता। लेकिन ये है कि आप नहीं मान रहे हैं, आपके लिए किया गया आप नहीं मान रहे हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को कितना लॉस किया जाएगा, है ना। देश भी तो देखना है ना, एकदम देश में भी भुखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, वरना देश गरीब हो गया। तो लोगों का काम करना ज़रूरी है, उनकी रोजी रोटी है, और बहुत सारे लोग जो यहाँ से पलायन कर गए हैं। मैं बताऊंगी आपको कि इसका इफेक्ट भी है, जो लोग पलायन कर गए हैं ना बाहर, जो यहाँ के लेबर क्लास लोग चले गए हैं अपने गांवों की तरफ, अपने घरों की तरफ लौट गए हैं, उसका नुकसान हमारे जैसे लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। हम यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, हम तो बेसिकली दिल्ली के ही हैं, दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, दिल्ली में ही हमें रहना है, हमारा तो कोई गाँव भी नहीं है, कोई और भी स्टेट नहीं है जहाँ हम जाएं या जहाँ हमें जाना हो, हमें तो यहीं रहना है हमेशा। लेकिन उन लोगों के जाने से हमारा नुकसान कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगी किसी और व्लॉग में, कि उनसे हमें क्या परेशानी हो रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बस यही है, टाइम है, टाइम बहुत, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। पिछले साल इसी वक्त इसी समय नहीं सोचा था कि अगला साल कैसा होगा, या इवन नया साल जो आया था ना वो मनाते हुए किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये 2020 ऐसा होगा, इतना गंदा होगा, इतना इसमें सरवाइव करना पड़ेगा लोगों को। ये सोचा नहीं था किसी ने भी कि 2020 में ऐसा हाल हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगने लगा है अब तो। और हाँ, हम हर महीने घूमने जाते थे घर से बाहर, वरना महाभारत हो जाता था हमारे घर में कि घूमने जाना तो भैया बहुत जरूरी है। हम लोग घर में रहते हैं पूरा दिन, हम लोग बच्चे और मैं घर में रहते हैं, घूमने नहीं जाएंगे तो फिर हमें घर में नहीं रहना, हम तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे घर में रहेंगे तो। लेकिन अब देखो वही मैं हूँ, वही बच्चे हैं, कहीं नहीं घूमने जाना हमें भाई, कोई बोलेगा भी नहीं घूमने, बोलेगा कि घूमने जाओ तो भी हम नहीं जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है।
हमें अपने आप को खुद सेफ करना होगा, खुद अपने आप को सेफ रखना है, और आदतें हमारी बदलनी पड़ेगी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसको ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह का ये वायरस है, जिस तरह की ये प्रॉब्लम है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि शादियां भी हो रही हैं, तो पांच पांच लोगों को लेकर शादियां हो रही हैं। मेरे देवर की शादी जो वो डिले होगी, अब मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह से हो जाए, कि दिल्ली में ही वो शादी हो जाए और हमें कहीं ना जाना पड़े, बिहार वगैरह में। बिल्कुल ये वायरस जब तक पूरी तरह जड़ से खत्म नहीं हो जाता ना भाई, कसम से मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं नहीं निकलना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं है कहीं निकलने का, कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं घर में ही रहना चाहती हूँ। घर में सेफ है हम लोग, अपने घर में, तो यार हमें नहीं जाना है कहीं भी। और बस प्रे कर सकते हैं गॉड से कि बस जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, हे ईश्वर ये ठीक हो जाए। अल्लाह, इतना पाक जो महीना है वो चल रहा है रमजान का, बस ये रमजान का महीना निकल जाए और कोरोना वायरस को अपने साथ लेता जाए, मतलब एक तरीके से खत्म करते जाए, अल्लाह सुन ले। और ईद के दिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिन हो कि न्यूज आए कि भाई आज एक भी इन्फेक्टेड जो बंदा है जो वो नहीं निकला, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन नहीं निकला पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस ऑटोमेटिकली अपने आप ही खत्म हो गया, मतलब क्या ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा। मैं तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत सैडनेस सी, मेरे को नेगेटिविटी सी अंदर से फील हो रही है, बहुत बेकार लग रहा है। और देख देख कर ना अपने आसपास के हालात और इधर उधर के, बहुत अजीब सा लगने लगा, न्यूज भी देखने का मन नहीं करता, जितना न्यूज देखो ना उतना डर सा लगता है। सॉरी गाइस, अरे यार मैं ना हूँ इमोशनल बहुत ज़्यादा, पगली सी हूँ, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो ये यार अपना भी ध्यान रखो, आप अपने बच्चों का ध्यान रखो और घर में रहो, सेफ रहो। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।